हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। ये हमारा यूनिट फोर्थ का डीएनए डायग्नोस्टिक जिसका नाम है उसका पहला टॉपिक है जेनेटिक एनालिसिस। तो जेनेटिक एनालिसिस से हम क्या समझते हैं? जेनेटिक एनालिसिस मतलब जीन्स का एनालिसिस, डीएनए का एनालिसिस। तो जेनेटिक एनालिसिस ह्यूमन डिजीजेस के लिए, जो ह्यूमंस में डिजीजेस होती हैं उनका हम जेनेटिक लेवल पे जाकर किस तरह से पता लगा सकते हैं कि हाँ इस ये इंसान को यह तो इन्फेक्टेड है या नहीं है, इस बात को समझने के लिए। तो जेनेटिक एनालिसिस हम उस स्टडी को कहते हैं, उस कह सकते हैं रिसर्च को कहते हैं, जिसमें हम किसी डीएनए के सैंपल को, डीएनए को देख कर उसमें होने वाली चेंजेस के द्वारा यह पता लगाते हैं कि हाँ ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इसके पास ये बीमारी है या बीमारी हो सकती है। मतलब एक बात तो सिंपल है, हम सबको पता है कि डीएनए में कोई चेंज होगा, कोई ऑल्टरेशन होगा, तभी कोई डिजीज़ होगी। क्योंकि नॉर्मल अगर डीएनए फंक्शन कर रहा है तो डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। अगर वो सही है, उसकी सारी सिक्वेंसिंग सही है, तो अपने सही प्रोटीन बनाएगा, तो इंसान को कोई डिजीज़ होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन जब उसके डीएनए के सिक्वेंस में कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ म्यूटेशन हो जाएगी, तभी कोई डिजीज़ होने का चांस है, रिस्क है। तो यही हम करते हैं जेनेटिक एनालिसिस में। जेनेटिक एनालिसिस में हम पता करते हैं किसी डीएनए को सैंपल को उसकी पूरी तरह से जांच करने के बाद कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें हम जेनेटिक एनालिसिस की, तो क्या हो सकती है कि जेनेटिक एनालिसिस रिफर्स टू द स्टडी ऑफ अ सैंपल ऑफ डीएनए। जेनेटिक एनालिसिस किसी डीएनए के सैंपल को स्टडी को हम कह सकते हैं टू लुक फॉर म्यूटेशन, किसी तरह का म्यूटेशन, किस तरह की चेंज देखने के लिए, दैट में इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़ और अफेक्ट द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, जो किसी रोग का खतरा बढ़ा सकती है या फिर ट्रीटमेंट के तरीके को अफेक्ट कर सकती है। जेनेटिक एनालिसिस इसको कहते हैं। अच्छा, एक बात है कि हम जेनेटिक एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? हमारे पास कन्वेंशनल, हम जो ब्लड सैंपल से रोगों का पता लगाते हैं, यूरिन टेस्ट से पता लगाते हैं, तो ये बात है कि जब हम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि जब तक हमारे बॉडी में मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया या फंगाई अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में पहले हमको सिम्टम्स दिखाई नहीं देती है रोग का। तो रोगों का जब वो सब हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हमारे बॉडी में वो हो जाती हैं बैक्टीरिया या फंगाई या कुछ भी वायरस, तब हमें ब्लड या यूरिन से पता चलता है। तब तक में भी बहुत देर हो चुकी होती है, रोग बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, खतरा ज़्यादा हो चुका होता है। लेकिन अगर हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, अपना डीएनए का एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं, कोई रोग है या नहीं, तो हम वो रोग होने से पहले भी पता लगा सकते हैं कि हाँ इस इंसान को ये रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम डीएनए के सीक्वेंस को चेक कर रहे हैं। तो डीएनए का सीक्वेंस अगर उल्टा सीधा होगा तो पता तो लगा ही सकते हैं कि हाँ इस इंसान को रोग हो सकता है कि नहीं। इस तरीके से हमारा जेनेटिक एनालिसिस का ये फायदा है कि हम रोग होने से पहले, बीमारी होने से पहले भी पता लगा सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जेनेटिक एनालिसिस है जो हम जीन्स का पता लगाते हैं, डीएनए का पता लगाते हैं किसी रोग के लिए कि कोई रोग हो सकता है कि नहीं। इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन मेथड्स हैं उनका बात करेंगे। जैसे एक मेथड है हमारा RFLP। ठीक, अभी फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा हमारा आ जाएगा PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरा आता है एक फिश फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। चौथा हमारा आ जाएगा ELISA। नेक्स्ट हमारा माइक्रोएरे, डीएनए माइक्रोएरे हमने पढ़ा है। नेक्स्ट एक हम ऐड कर सकते हैं सीक्वेंसिंग को भी। ठीक, तो ये सारे जो मेथड्स हैं हमारे, कुछ कॉमन मेथड्स हैं जेनेटिक एनालिसिस का तरीके हैं, ये सब टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पता लगा सकते हैं किसी रोग या डिजीज़ के बारे में हो सकता है कि नहीं, या कोई पर्सन इन्फेक्टेड है कि नहीं। ठीक, इन सबको पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप एक बात समझिए कि ये तीनों जो हमारे मेथड्स हैं, नहीं पहले आप ये सुन लीजिए कि मान लीजिए कोई पर्सन गया, या हम भी कहीं भी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर को कोई सिम्टम बताते हैं अपना, हाँ हमें ये दिक्कत है, तो वो उस बेसिस पे दवाइयाँ देता है या टेस्ट करने के लिए कहता है, करवाने को कहता है। तो ठीक, इन सब का एप्लीकेशन बहुत सारा है, लेकिन हम जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं। तो हमें ये आप दिमाग में बिठा लीजिए सबसे पहले कि कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास गया तो ये जब सिम्टम बताएगा अपना कि हाँ डॉक्टर मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो
तो डॉक्टर उस हिसाब से उसको ये पता लगा सकता है कि हाँ इसको ये रोग हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। ठीक, ये बात आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि ये बात हो सकती है, इसे ये बीमारी हो सकती है, तो उस हिसाब से क्या करेगा। हम इन तीनों मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोब या प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। अब प्रोब या प्राइमर क्या होता है, पहले से पता किया होगा डीएनए का सीक्वेंस होता है। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्राइमर या प्रोब क्या है। हमें डीएनए का सीक्वेंस हम अपने हिसाब से तैयार करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस, जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवाएंगे। ठीक, अभी आप सिंपल बस इतना समझिए, अभी आगे आगे हम समझेंगे क्या कर रहे हैं। ठीक, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, वो अपना सिम्टम बताएगा, सिम्टम के अकॉर्डिंग डॉक्टर को ये पता लग चलेगा कि हाँ इसको ये रोग हो सकता है, उस हिसाब से डॉक्टर कोई प्राइमर या प्रोब तैयार करेगा और हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा। ठीक, इतनी बात दिमाग में रख लीजिए। अब शुरू करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ मॉडिक पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहला हमारा आता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करते हैं आप समझिए। हमारा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किस चीज़ पे बेसिस है, बेसिस इसका क्या है, प्रिंसिपल इसका क्या है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, फ्रेगमेंट हमारा डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये बताता है कि मान लीजिए कोई एक हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब का जो डीएनए का सीक्वेंस, हम जानते हैं कि सब में रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज़ करने से कट जाती हैं। तो मान लीजिए 2 पर्सन है यहाँ पे, तो हो सकता है किसी एक पर्सन के पास 2 ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट हो, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, इस पर्सन के पास मान लीजिए 3 रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो जब हम इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे तो हमें अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट मिलेंगे, क्योंकि इसके पास 2 है इसके पास 3 है, इसको हमें एक इतना मिलेगा, एक इतना मिलेगा, एक इतना 3 मिला, इसका इतना 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 4 पार्ट मिले, और ये अलग अलग लेंथ की है, लेंथ में वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, इसी को हम लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हम इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 2 पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं तो किसी मर्डर के केस में, मान लीजिए कोई मर्डर की है, 2 लोगों पर शक है, तो हम इन दोनों में से चेक करा सकते हैं। ठीक, लेकिन हम डिजीज़ का बात कर रहे हैं तो हम कैसे पता करते हैं। हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करते हैं कि अभी मैंने कहा कि हम डॉक्टर को जब बताएंगे तो वो इस हिसाब से एक प्रोब तैयार करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डीएनए को काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। उसके बाद मान लीजिए ये हमारा डिजीज पर्सन है, ये पेशेंट है, डॉक्टर के पास आया, आपने बताया रोग, हाँ मुझे ये रोग है, तो अब देखिए, तो मान लीजिए इसमें हमने 3 टुकड़े किए, तो हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे वेल्स होती है, यहाँ पे हमारा एक लैडर सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है, हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है, ये पहले से ही पता किया हुआ होता है। हम डीएनए को अरेंज कर देते हैं कि जब यहाँ पे आएंगी चीज़ें तो हम उस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो हमने जब डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर मुझे ये दिक्कत है, तो डॉक्टर उस हिसाब से प्राइमर या प्रोब तैयार कर लेगा, सीक्वेंस तैयार कर लेगा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो डाल देगा। तो मान लीजिए हमारा ये वाला जो सीक्वेंस है, डॉक्टर को लग सकता है कि हाँ ये बीमारी हो सकती है, तो डीएनए का ये सीक्वेंस हमारी उस बॉडी उस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऐसा हो सकता है चेक करने के लिए। तो मान लीजिए जब हमने इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो ये साइज और बेसिस के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए, तो ये सबसे छोटा वाला साइज़ है सबसे आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। ठीक, तो एक जब यहाँ पे आके ये रुक गया इसके साथ सामने, तो डॉक्टर को ये पता चलेगा या ये पता चलता है हमें कि हाँ ये वाला रोग हो सकता है। अब इसको हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर साइज़ के हिसाब से हमने इसको किया है अरेंज, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो अब हम इसको नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे। नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर ट्रांसफ़र करने के बाद, अगर सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक आपको पूरी तरह पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल इतना ही समझिए, ब्लॉटिंग पेपर पर जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इसका बनाएंगे। हमने कहा ना कि डॉक्टर को पता चलेगा कि इसको ये रोग हो सकता है, तो अगर बॉडी में ये इन्फेक्शन है तो मान लीजिए डीएनए का सीक्वेंस कुछ उसका होगा,
मरीज का डीएनए का सीक्वेंस है, ये इन्फेक्शन बॉडी में है ए जी सी, तो डॉक्टर इसका सीक्वेंस का टी सी जी ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना देगा, प्रोब बना देगा, रेडियो एक्टिव प्रोब, ताकि हमें दिखाई दे सके, ठीक, रेडियोग्राफी करें तो हम, तो प्रोब बनाएगा और इसके साथ इसको इसमें डाल देंगे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे। अगर ये प्रोब जाकर इससे अटैच होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, अटैच हो गया इससे और रेडियो एक्टिव प्रोब हमने डाला है, तो जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म में देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा। तो अगर ये अटैच कर गया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर दिया है, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये पर्सन इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, इसको ये रोग है। क्योंकि अगर ये इससे अटैच नहीं कर पाता, इससे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब नहीं अटैच किया होगा, ठीक। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि उस सिम्टम्स के बेसिस पे हमने अपना तैयार कर लिया है प्रोब व प्राइमर। और क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर ये बीमारी है तो उसका डीएनए सीक्वेंस ये होगा, तो उसके हिसाब से हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तैयार कर लिया, बेस पेयर तैयार कर लिया हमने। तो अगर वो जब वो जाके अटैच कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा, मतलब हमें इन्फेक्शन है, और अगर नहीं करेगा तो नहीं है, ठीक। हमारा ये था हमारा RFLP। नेक्स्ट हमारा आता है PCR। PCR में भी हम यही करते हैं। PCR में आपको पता होगा हमारा तीन मेथड होता है, तीन स्टेप होता है। हम पहले डीनेचुरेशन करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड करते हैं। PCR किस लिए यूज़ की जाती है? कॉपीज बनाने के लिए, बिलियंस ऑफ बिलियंस डीएनए की कॉपी बना सकते हैं हम एक छोटे से सीक्वेंस से ही। तो हम क्या करते हैं कि हम PCR में प्राइमर का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो इन्फेक्टेड है, ये मान लीजिए ह्यूमन का PCR डीएनए सीक्वेंस है कोई पेशेंट का, इसने कहा कि मुझे ये दिक्कत है, तो डॉक्टर को लगा होगा कि डॉक्टर सोचेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ, इसे ये वाली इन्फेक्शन हो सकती है, कोई वायरस इन्फेक्ट किया है इसको, तो वो क्या करेगा। यहाँ पे हम जानते हैं PCR में प्राइमर लगता है, तो इसी डीएनए में, पेशेंट के डीएनए में डॉक्टर अपना डाल देगा प्राइमर। मान लीजिए पेशेंट ने बोला कि उसे दिक्कत बताई और डॉक्टर को लगा कि इसे HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। तो ये पेशेंट का डीएनए है, उसमें डॉक्टर ने अपना HIV प्राइमर डाल दिया। अगर हम जानते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉपीज बनेंगी, अगर ये एम्प्लीफिकेशन होती है मतलब कि इन्फेक्शन है, अगर एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी मतलब इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने HIV प्राइमर डाला है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इसे पेयरिंग कर रहा है, मतलब मान लीजिए ACG है इसका, AGG है एग्जांपल के लिए, सब ये सीक्वेंस होता नहीं इसका, तो ये इसका TCC से बाइंड कर रहा होगा, मतलब इसका ये है कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है और मतलब इन्फेक्शन है, और एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे HIV का एग्जांपल लेके बताया गया है कि द साइंटिस्ट ऑलरेडी नो द डीएनए सीक्वेंस ऑफ HIV वायरस बेस्ड ऑन विच दे डेवलप द प्राइमर कॉल्ड HIV प्राइमर। अगर कोई पेशेंट बता रहा है ऐसा सिम्टम, तो उस हिसाब से डॉक्टर को लगेगा कि हाँ, मान इसको HIV हो सकती है, HIV वायरस इसको इन्फेक्ट किया है, तो उस हिसाब से डॉक्टर को HIV वायरस का सीक्वेंस पता है, उस हिसाब से डॉक्टर HIV प्राइमर तैयार करेगा। HIV प्राइमर कहने का मतलब, मान लीजिए HIV वायरस का सीक्वेंस GCG है, तो डॉक्टर इसका कॉम्प्लीमेंट्री CGG तैयार कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, नाउ ड्यूरिंग द PCR दे मिक्स द DNA सैंपल ऑफ द पर्सन विद दिस HIV प्राइमर। और क्या करेगा, PCR के टाइम ये पेशेंट का DNA उसके साथ HIV प्राइमर ऐड कर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ये वाला ऐड कर देगा। और जब एम्प्लीफिकेशन के दौरान, देखिए, और नाइट ड्यूरिंग द PCR दे मिक्स द DNA सैंपल ऑफ पर्सन विद दिस HIV प्राइमर, इस HIV प्राइमर के साथ DNA सैंपल ऐड कर दिया जाएगा। एंड इफ द सीक्वेंस मैचेस विद द टारगेट DNA, और अगर ये टारगेट DNA के साथ मैच कर रही है, इसका मतलब है और एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, मतलब पर्सन इन्फेक्टेड है, और एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक। ये हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में पेश किया था। ये तो मतलब आप समझिए, और भी सिंपल टेक्निक है। इसमें क्या होती है, क्या होता है इसमें, कि हम क्या करते हैं कि हम एक ग्लास लाइट लेते हैं, उसका फ्लोरोसेंट इसलिए नाम है क्योंकि हम उसमें फ्लोरोसेंट यूज़ करते हैं, लाइट एमिटिंग डाइज यूज करते हैं, जिसकी वजह से लाइट दिखेगा हमें और साफ साफ दिख जाएगा हमारा सीक्वेंस,
और उसके बाद हमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, इसलिए उसका फ्लोरोसेंट इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि ग्लास स्लाइड लेते हैं हम, उसमें हम ह्यूमन का कंप्लीट डीएनए डाल देते हैं, जो भी पेशेंट है उसका कंप्लीट डीएनए डाल देते हैं। और सॉरी ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यहाँ पे बना लीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड सब में यूज़ करेंगे तभी तो बेस पेयरिंग कर पाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओ गॉड में बार बार डबल स्ट्रैंड बना दें इसको, मुझे ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये हमारा ग्लास स्लाइड है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें जैसे सिम्टम के अकॉर्डिंग पेशेंट ने बताया तो डॉक्टर ने को पता चला कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर एक प्रोब तैयार करेंगे, प्रोब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे। मान लीजिए कोई सिम्टम बताया पेशेंट, तो उस हिसाब से डॉक्टर को लगा कि हाँ उसको एक्स वाई डिजीज़ है, तो वो उसको लगेगा उस डिज़ीज़ का सीक्वेंस, मान लीजिए है ATGGAT, ठीक, मान लीजिए ये डिज़ीज़ का सीक्वेंस है, तो डॉक्टर को लगा कि ये डिज़ीज़ हो सकती है, तो डॉक्टर इसका एक प्रोब तैयार करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर TACCTA, ठीक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यही होगा, ये तैयार करेगा और इसको फ्लोरोसेंट डाई के साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि हमें दिखाई दे। और सिंपल है, इस माइक्रोस्कोप पे हम ये ह्यूमन का डीएनए है इस पे हम अपना प्रोब डाल देंगे, एक्सपोज कर देंगे, ठीक। तो अगर ये वाली बीमारी इस डॉक्टर के पास, सॉरी इस पेशेंट के पास है कहीं इधर उधर यहाँ पे, तो ये बेस पेयरिंग हो जाएगी। मान लीजिए इतने सीक्वेंस में वो बीमारी वाला जीन है यहाँ पर, तो इन दोनों की सीक्वेंसिंग हो जाएगी, बेस पेयरिंग हो जाएगी। और जब हम इसको फोटोग्राफिक फिल्म में देखेंगे, क्योंकि हमने उसमें फ्लोरोसेंट डाई डाला है, और जब फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो अगर हमें ये पैटर्न दिखाई देगा, बैंडिंग दिखाई देगी, वो दिखाई देगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो हम पता लगा देंगे कि हाँ ये पर्सन इन्फेक्टेड है। क्योंकि अब सिंपल एक फिनोमिनन तो याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तभी होगी जब दोनों, मतलब बेस पेयरिंग तभी होगी जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। तो अगर इस पर्सन के पास डिजीज़ वाला सीक्वेंस है, हमने उस पर कॉम्प्लीमेंट्री डाला, तो उसकी बेस पेयरिंग होनी ही होनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके हो गए इसके पास। देखिए फ्लोरोसेंट इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कि फिश इज अ लेबोरेटरी टेक्निक एंड टू डिटेक्ट एंड लोकेट स्पेसिफिक डीएनए क्रोमोसोम। ये जो हमारी फिश टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन पता लगाने के लिए। तो हम अब क्रोमोसोम का पूरा फंक्शन स्ट्रक्चर पता लगा रहे हैं, तो हम बीमारी का तो पता लगा ही सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पे डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन्स होती हैं, उसी सीक्वेंसिंग से पता लगा सकते हैं। अगर उल्टा सीधा सीक्वेंसिंग हुआ, मतलब कोई ना कोई बीमारी है ही। इन दिस टेक्निक द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज अफिक्स टू अ ग्लास स्लाइड। इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो पूरा क्रोमोसोम का सेट है ह्यूमन का, वो एक ग्लास स्लाइड पे हम लगा देते हैं, एंड देन एक्सपोज टू अ प्रोब, उसके बाद एक प्रोब के साथ एक्सपोज कर देते हैं। प्रोब क्या होता है, वो ही हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर और स्मॉल पीस ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए टैग विद अ फ्लोरोसेंट डाई के साथ टैग किया हुआ। तो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब फाइंड्स एंड देन बाइंड टू मैचिंग सीक्वेंस। जो फ्लोरोसेंटली लेबल प्रोब है, वो अपना ढूंढेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, उसके पास बाइंड कर देगा मैचिंग सीक्वेंस के साथ, और अगर मैच कर गया तो मतलब इन्फेक्शन है, और नहीं किया तो नहीं है। विद द यूज़ ऑफ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके द क्रोमोसोम एंड सब क्रोमोसोम लोकेशन वेयर द फ्लोरोसेंट प्रोब बाउंड कैन बी सीन, जहाँ पे फ्लोरोसेंट बाइंड किया है वो सीन किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक। तो ये हमारा तीन मेथड हुआ। अब हमारा एक मेथड आता है एलाइसा। एलाइसा में हम जानते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्मेंट, जैसे हमारा एलाइसा जो होता है वो बेस होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ठीक। एलाइसा का यूज़ हम एंटीजन का यूज़ करके एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं, और एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगा सकते हैं। एलाइसा हमारी तीन टाइप की होती है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और सैंडविच। उससे पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए, एंजाइम लिंक्ड। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है किसी भी एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो वाई शेप्ड की होती है। जब इस एंटीबॉडीज़ में हम कोई एंजाइम लगा देते हैं, ठीक, एंजाइम हम क्यों लगाते हैं अभी पता चलेगा इस डिसेक्शन के लिए, तो हम उसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, अब आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट एलाइसा में क्या होती है, एक प्लेट होती है, माइक्रोटाइटर प्लेट या एलाइसा प्लेट, इसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें हम अपना सीरम डालते हैं, एंटीजन डालते हैं किसी पेशेंट का, ठीक। एंटीजन क्यों डालते हैं, हम सीरम डालेंगे उसमें तो अगर किसी बैक्टीरिया ने या फंगाई ने इन्फेक्ट किया होगा, तो उसका एंटीजन तो उसके बॉडी में होगा ही। उसके बाद हमने सबसे पहले एंटीजन डाला, एंटीजन डालने के बाद हम इनडायरेक्ट एलाइसा में
सॉरी पहले हम डायरेक्ट एलाइसा देखते हैं। ठीक, डायरेक्ट एलाइसा में क्या करते हैं हम, इसमें ये हमारा एंजाइम लिंक था इसमें डाल देते हैं एंटीजन वाले जो हमारा बॉक्स है उसमें, पहले एंटीजन डाला, सीरम डाला पेशेंट का, उसके बाद अपना एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल देते हैं। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल देंगे तो ये एंटीजन है इसके साथ ये बाउंड कर जाएगा, इसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाएगा। उसके बाद हम एक सबस्ट्रेट डाल देंगे। ठीक, सबस्ट्रेट, एक बात आप जानते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का लॉक एंड की वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी किसी के साथ भी नहीं जुड़ सकते थे, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो जब ये सबस्ट्रेट डाल देंगे इस एंजाइम के साथ लिंक कर जाएगा तो ये कलर्ड कम सॉल्यूशन बना देगा। कलर्ड सॉल्यूशन बनाने का मतलब है कि पर्सन इन्फेक्टेड है, और अगर कलर्ड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा मतलब पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरा हमारा इनडायरेक्ट एलाइसा में क्या होता है, डायरेक्ट एलाइसा में हमने क्या किया, डायरेक्ट सीरम डाला, सीरम के बाद अपना एंटीबॉडी डाल दिया। डायरेक्ट एलाइसा, इनडायरेक्ट एलाइसा में क्या करते हैं, पहले हम सीरम डालेंगे, मान लीजिए एंटीजन है, एंटीजन के बाद हम पहले एक प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे मतलब उसमें अपना एंजाइम नहीं होगा, बस सिंपल एंटीबॉडी होगा। ठीक, एंटीबॉडी डालने की, प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद इन दोनों की हो जाएगी इंटरेक्शन। उसके बाद हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालने के बाद सब्सट्रेट डालेंगे। अगर ये सब्सट्रेट जुड़ गया और इसने कलर्स कंपाउंड दे दिया मतलब इन्फेक्शन है, और कलर कंपाउंड नहीं दिया तो इन्फेक्शन नहीं है। तीसरा सैंडविच एलाइसा में क्या होता है कि सैंडविच एलाइसा में पहले हम, ये तो हमारा हो गया एलाइसा, एलाइसा के बाद हमारा आता है एक टॉपिक माइक्रो एरे। माइक्रो एरे में क्या होता है, आई थिंक मैंने आपको एलाइसा का सैंडविच मेथड बताया कि नहीं बताया। देखिए सैंडविच मेथड में क्या होता है एलाइसा का, कि सबसे नीचे हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं, दूसरे में पेशेंट का सीरम डालते हैं, और तीसरे में एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालते हैं। ठीक, सैंडविच टाइप बना देते हैं, और उसके बाद सब्सट्रेट डालेंगे। अगर कलर सॉल्यूशन आया तो इन्फेक्शन है, और कलर सॉल्यूशन नहीं आया तो इन्फेक्शन नहीं है। ठीक, सब्सट्रेट एंजाइम का कब होगा अटैच, जब उन दोनों की वो बहुत स्पेसिफिक होगी, तो जब एंटीजन वाला जो पार्ट है इन्फेक्शन कॉज करने वाला है अगर प्रेजेंट होगा तभी इन्फेक्शन होगी, और नहीं होगा तो नहीं। अब माइक्रो एरे क्या होता है, माइक्रो एरे हमने पढ़ा है जिसको हम मिनिएचर लेबोरेटरीज कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, लैब कह सकते हैं कि, अब उस पर हम उस पर डीएनए का एक्सप्रेशन चेक करते हैं बहुत लिमिटेड टाइम में, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक, तो इससे भी हम अपने डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से डिजीजेस हैं, हमको किस किस मेथड से चेंज कर सकते हैं। जो जैसे हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है मतलब ये जनरेशन को स्किप करता है। इसमें क्या होता है, लंग्स में थोड़ा लंग्स में भर जाता है म्यूकस वगैरह। ठीक, तो हम इसको PCR से पता लगा सकते हैं, RFLP से पता लगा सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस केयरिंग, मतलब आप सिंपल यही समझिए बेस पेयरिंग करा देंगे। ठीक, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप की हो जाती है, नॉर्मल तो वो बाइकॉनकेव शेप होती है लेकिन सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप की हो जाती है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, इसको भी हम RFLP सदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन PCR ओला इसका एक PCR का ही टाइप है। नेक्स्ट हीमोफीलिया को हम इन सारे टेक्निक से पता लगा सकते हैं। फिनाइल क्यूटेरिया का डायरेक्ट सिक्वेंसिंग से पता लगा सकते हैं। सिक्वेंसिंग में क्या होता है कि हम पूरा जो DNA का हमारा सिक्वेंस है पूरी तरह से उसकी जांच करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर कहीं सिक्वेंस में अल्टरेशन है तो डिजीज़ है या हो सकती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया DNA, हमारा जेनेटिक एनालिसिस। ये सब मैंने नोट्स लिखा है, बहुत लंबा हो जाता है इसलिए पढ़ा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने जितना लिखा था सब बता दिया इसके बारे में। नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। टिल देन थैंक यू।